हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष कुमार वर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ईल मास्टर 3000। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम पढ़ेंगे जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। मेल स्टेरिलिटी का मतलब होता है नर बंधता। क्या होता है? नर बंधता। ठीक, मेल स्टेरिलिटी की पहले हम डेफिनेशन को समझेंगे। ठीक, पहला है मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, माने फ्लावर का क्या होता है जो मेल पार्ट क्या होता है। मैंने जैसा आपको बता रहा हूँ मेल पार्ट, और मैंने आपको और भी टॉपिक में बताया है जैसे मेल पार्ट कहाँ होता है, फ्लावर का मेल पार्ट होता है हमारा, जैसे ये होता है हमारा एंथर। ये क्या निकला, मान लीजिए हमारा एंथर निकला। ठीक, ये एंथर निकला, एंथर होता है, एंथर के अंदर क्या होता है, ये हमारा क्या एंथर, एंथर के अंदर क्या होते हैं पोलन ग्रेन। क्या होते हैं? पोलन ग्रेन। पोलन का माने इसमें एक शेप आ जाती है, पोलन ग्रेन होते हैं। ठीक, इसमें क्या होते हैं एंथर में क्या होता है पोलन ग्रेन। मान लीजिए एंथर है, ठीक, इसमें एंथर है, ये इतने सारे कई सारी सेल हैं। ठीक, इसके अंदर इसे हम बोलते हैं पोलन, पोलन या पोलन ग्रेन। क्या बोलते हैं? पोलन या पोलन ग्रेन। क्या बोलते हैं? पोलन या पोलन ग्रेन। ठीक, पोलन ग्रेन क्या होता है, इसके अंदर होता है, इसमें छोटी छोटी सेल होती है। क्या होती है? सेल होती है, जिसे हम बोलते हैं, इसमें एक मेल, जिसे हम बोलते हैं इसके अंदर, जिसे हम बोलते हैं फ्लावर का मेल पार्ट। इसलिए हम होता है बोलते हैं ना कि मेल स्टेरिलिटी, माने एक ही फ्लावर में क्या होता है सेल्फ पोलिनेशन होता है, क्रॉस पोलिनेशन। इसी प्रकार के इसी में एक ही फ्लावर में क्या हो सकता है मेल पार्ट होता है और एक फीमेल पार्ट भी हो सकता है। ठीक, इसलिए हम यहाँ पर हम बता रहे थे मेल पार्ट कहाँ होता है, जिसे हम बोलते हैं मेल पार्ट, और फीमेल की बात बाद में करेंगे। ठीक, यह होता है मेल सेक्स सेल, कौन सा मेल सेक्स सेल। इसमें मैंने बात करा था मेल पार्ट ऑफ फ्लावर आर डिसफंक्शनल, मैंने फ्लावर का मेल पार्ट होता है वो क्या होता है निष्क्रिय होता है, काम नहीं करता, उसे हम क्या बोलते हैं मेल स्टेरिलिटी। जैसे ही नाम से मेरा स्पष्ट हो गया है नर बंधता। ठीक, अब मेल स्टेरिलिटी के थ्री टाइप्स होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी के थ्री टाइप्स है, पहला हमारा जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, सेकेंड है हमारा साइटो, पहला हमारा सॉरी जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, सेकंड है हमारा फोटोपीरियोडिक सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, और थर्ड है हमारा ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी। अब हम बात करते हैं पहला जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी की ओर, मेल स्टेरिलिटी की ओर। पहले हम इस पर चर्चा करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। पहला हम पढ़ते हैं जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी क्या होता है? जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी ये होता है रिस्पॉन्सिबल होता है गवर्न बाय रिसेसिव जीन ऑफ न्यूक्लियस। ये किसके रिस्पॉन्सिबल है? मेल स्टेरिलिटी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए मेल स्टेरिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे मैंने बताया गन वायर रिसेसिव जीन ऑफ न्यूक्लियर। ठीक, गन वायर ऑफ रिसेसिव जीन ऑफ न्यूक्लियर। ठीक, जिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मेल स्टेरिलिटी के लिए। एक्सेप्शन की बात की जाए तो एक्सेप्शन सेल्फ फ्लावर डोमिनेंट मेल स्टेरिलिटी, सेल्फ फ्लावर डोमिनेंट मेल स्टेरिलिटी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मेल स्टेरिलिटी के लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के लिए। और ये क्या हो सकता है? स्पॉन्टेनिटी भी हो सकता है और म्यूटेशन की वजह से भी हो सकता है। चलिए इसके अब हम और आगे चलते हैं। ठीक है, एग्जांपल में मेल स्टाइल का क्रॉस मेल फर्टाइल से कराते हैं तो हमें F1 प्रोजेनी हमें कैसे मिलती है? मेल F1 प्रोजेनी हमें से कैसे मिलती है? मेल फर्टाइल मिलती है। पर जब बोल रहा है F2 जनरेशन में हमें वी गेट, हमें माने इन F2 जनरेशन वी गेट इन 3:1 रेशियो इन मेल स्टेराइल और मेल फर्टाइल। माने हमें जब हमें क्या होता है, हमें F2 जनरेशन में हमें क्या होती है रेशियो कितने का मिलता है 3:1, जिसमें होता है मेल स्टेराइल और मेल फर्टाइल। जैसे यहाँ बताया मेल स्टेराइल मिलती है मेल फर्टाइल, तो इसी F2 जनरेशन में हमें रेशियो कितने का मिलता है 3:1 रेशियो का मिलता है। ठीक, जिसे हम बोलते हैं मेल स्टेराइल और मेल फर्टाइल, याद है? ठीक, अब चलिए अब इसमें हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के बारे में, कि हमें इतने टेम्परेचर पर क्या होगा, इससे कम टेम्परेचर पर हमें क्या प्राप्त होगा। 23.3 डिग्री सेल्सियस से अधिक हुआ टेम्परेचर तो हमें मेल स्टेराइल प्राप्त होगा, यदि 23.3 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो फर्टाइल मेल मिलेगा या मेल फर्टाइल मिलेगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इसमें फोटोपीरियोडिक सेंसिटिव फोटोपीरियोडिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के बारे में बात करते हैं।
इसमें इसमें जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि फोटोपीरियोडिक जेनेटिक मेल एस्टरनिटी माने किसी भी क्रॉप को की जो डिस्टेंस होती है क्रॉप को सनलाइट की जितनी माना है क्रॉप को सनलाइट की आवश्यकता होती है माने कितनी आवश्यकता होती है तो क्या होगा माने अधिक टेम्परेचर पर क्या होगा कम टेम्परेचर पर क्या होगा माने कितने सनलाइट की गोन चाहिए डिस्टेंस। ठीक, अब इसमें हम कितनी क्रॉप पर डिस्टेंस होनी चाहिए, हम इसमें राइस की बात कर लेते हैं तो हमें क्या होता है 13 आवर्स 45 मिनट इससे अधिक होगा तो हमें मेल एस्ट्रल मिलेगा। यदि 13 आवर्स 45 मिनट ठीक से कम होगा तो हमें सनलाइट कम होगी तो हमें क्या होगा मेल फर्टाइल मिलेगा। अब इसके बाद हम ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी, ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी को समझते हैं। ट्रांसजेनिक क्या होता है, ट्रांसजेनिक जब एक जीन दूसरे ओरिजिन में जाता है तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसजीन। ठीक, और इसमें ये क्या होता है बार्डनेस, किसके लिए ये क्या करता है बार्डनेस, जिसे हम क्या करते हैं बार्डनेस या बार स्टार जीन। ठीक, ये इनकोड क्या करता है आरएनए, और किसके लिए बैसिलस अमाइलो, बैसिलस अमाइलो बैक्टीरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। DA11 प्रमोटर JRF के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये सबसे इम्पोर्टेंट है किसके लिए JRF के लिए, एग्जाम्पल में JRF के एग्जाम में भी आया था। ये एक्सप्रेस ऑन इन कैपिटल सेल, ये किसके लिए एक्सप्रेस करता है, ये एक्सप्रेस करता है कैपिटल सेल में। ठीक है, और ये क्या कहता है बार्डनेस जीन, ये किससे लिंक होता है बाय जीन से, किससे बाय जीन से। ठीक, बार्डनेस जीन लिंक हुआ है बाय जीन से। ठीक, ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है किस पे, किसके थ्रू फॉस्फिनोथ्रेसिस हर्बिसाइड के थ्रू एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी किससे कंट्रोल होती है, वो हमारे होती है प्लाज्मा जीन के कारण। ठीक, अब जो ठीक अब साइटोप्लाज्मिक जीन, हमें प्लांट ब्रीडिंग में 3 टाइप्स के क्या पढ़े थे लाइन पढ़ी थी, ए लाइन, बी लाइन और आर लाइन पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम पहले समझते हैं लाइन किसे कहते हैं, व्हाट इज द लाइन। ठीक, लाइन क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ प्लांट विद सेम जीनोटाइप, जिन कई सारे प्लांटों का समूह जिनका क्या होता है जीनोटाइप कैसा होता है सेम होता है, जीनोटाइप कैसा होता है सेम होता है उसे हम क्या बोलते हैं लाइन कहते हैं। चलिए, जिन क्या होता है जब हम क्या करते हैं फर्टाइल मेल का क्रॉस स्ट्राइल फीमेल के साथ कराते हैं तो हमें F1 प्रोजेनी हमेशा कैसे मिलती है, हमेशा स्ट्राइल, किस तरह मिलती है स्ट्राइल। ठीक, इसको मेंटेनेंस करने के लिए हमें क्या होती है, हम किसके साथ क्रॉस कराते हैं मेल स्ट्राइल के साथ क्रॉस कराते हैं, जिसे हमें 6 से 7 बार क्रॉस करना पड़ता है, तो जिससे हमें क्या होती है एक स्ट्राइल प्रोजेनी, जो किससे कैसी प्रोजेनी फर्टाइल मेल का क्रॉस फर्टाइल फीमेल का क्रॉस मेल स्टाइल का क्रॉस फर्टाइल फीमेल के क्रॉस फर्टाइल मेल के साथ कराते हैं तो क्या होती है F1 प्रोजेनी हमेशा स्टाइल होती है प्राप्त। ठीक, जिसे हमें अब पढ़ेंगे हम साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के बारे में। जेनेटिक साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी को हम न्यूक्लियोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी भी कहते हैं। इसमें हमने 3 तरह की लाइन पढ़ी थी, ए लाइन, बी लाइन, आर लाइन, अब हम पढ़ेंगे आर लाइन। ठीक, इसमें आर लाइन माने होता है लियोस्टोर लाइन। ठीक, लियोस्टोर लाइन, ठीक, जिसे अब पढ़ेंगे हम, जिसे हम बोलते हैं लियोस्टोर लाइन। डोमिनेंट लिंक दिया जीन फॉर रिस्टोरिंग फर्टिलिटी इन मेल स्ट्राइल लाइन, मेल स्ट्राइल लाइन सॉरी, डोमिनेंट लिंक दिया जीन है वो किसके लिए होता है, वो क्या होता है फर्टिलिटी को क्या करता है रिस्टोर करने के लिए, फर्टिलिटी किसके लिए होता है रिस्टोर करने के लिए, जो डोमिनेंट न्यूक्लियस जीन होता है वो किसके लिए होता है, वो किसके लिए होता है वो वहाँ होता है फर्टिलिटी को रिस्टोर करने के लिए, जो किसमें मेल स्टेरिलिटी लाइन। ठीक, अब इसमें जब मेल क्या होता है मेल स्टाइल का क्रॉस फर्टाइल या स्ट्राइल के साथ कराते हैं, जब स्ट्राइल का क्रॉस फर्टाइल या स्ट्राइल के साथ कराते हैं तो हमें कैसे F1 प्रोजेनी हमेशा कैसे मिलती है फर्टाइल मिलती है, जो कि इसका यूज क्या होता है हमेशा क्या होता है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का यूज हमेशा किसमें होता है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में होता है।
आज के इस लेक्चर वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और भी टॉपिक हो के बारे में आपको जिनसे चाहिए उसका हमें कमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।